मैं बी आर चौधरी, केमिस्ट्री फैकल्टी, सीएलसी सीकर। हम जेई मेन जनवरी 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 9 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज, 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विथ एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व्ड इन दीज टू रिएक्शंस इज। ये क्वेश्चन मोल से भी कर सकते हैं एंड इक्विलेंट से भी। जस्ट द वेट ऑफ जिंक इज गिवन 5 ग्राम, सो द ग्राम इक्विलेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन बोथ केसेस आर इक्वल। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आर इज ऑल्सो इक्वल बाई मोल। द रिएक्शन इज जेड एन प्लस में 2HCl कन्वर्ट इन टू जेड एन सी एल 2 प्लस में हाइड्रोजन एंड द रिएक्शन विथ NaOH जेड एन प्लस 2NaOH Na 5 ग्राम ऑफ जेड एन इज ट्रीटेड सेपरेटली विथ एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व्ड इन दीज टू रिएक्शंस इज। रिएक्शन फर्स्ट इज जेड एन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रोडक्ट इज जेड एन सी एल 2 प्लस हाइड्रोजन। इन सेकेंड रिएक्शन जेड एन रिएक्ट्स विथ NaOH Na 2 जेड एन ओ 2 प्लस हाइड्रोजन। सो द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इन टू रिएक्शंस, इन फर्स्ट रिएक्शन 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ जेड एन, इन सेकेंड रिएक्शन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ जेड एन। सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इन बोथ केसेज इज 1:1। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन इज 6.0 × 10⁻³¹. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड विल बी। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज इज एज Cr+3 प्लस में 3OH-। द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एस एट सेचुरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज सोल्युबिलिटी एस, द कंसंट्रेशन ऑफ Cr+3 एस, द कंसंट्रेशन ऑफ OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन इज 3S। KSB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cr+3 एट सेचुरेशन, कंसंट्रेशन ऑफ OH- एट सेचुरेशन और इसकी पावर 3। KSB इज इक्वल टू 27, सॉल्युबिलिटी की पावर 4। KSP ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन 6 × 10⁻³¹ इज इक्वल टू 27, सॉल्युबिलिटी की पावर 4। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 6 × 10⁻³¹ अपॉन में 27 एंड पावर होगी 1/4। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एट सेचुरेशन इज इक्वल टू 3S, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज 18 × 10⁻³¹ एंड द पावर इज 1/4। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू स्टेटमेंट अमंगस्ट द फॉलोइंग इज। एंट्रोपी एंड चेंज इन एंट्रोपी के बारे में, बोथ एंट्रोपी एंड चेंज इन एंट्रोपी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो द स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर सोवन बिलो रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए मीन्स ए एंड ए बाई स्क्वायर, ए ये एंड बी बाई, इन द
figure shown below, reactant E represented by square is in equilibrium with product B represented by circle. The equilibrium constant is, K equilibrium is equal to active mass of product, B upon me active mass of A. The concentration of B is double than the concentration of A, so K equilibrium is around 2. Option 3 is correct. In next question, a mixture of gases, oxygen, hydrogen and CO are taken in a closed vessel containing charcoal. The graph that represents the correct behavior of pressure with time is, charcoal ki surface, on the surface of charcoal, oxygen, hydrogen and CO adsorbed on the surface of charcoal. So, pressure decreases with time exponentially. So, option second is correct. In next question, amongst the following, the form of water with the lowest ionic conductance at 298 Kelvin is saline water used for intravenous injection. For intravenous injection, 0.9% NaCl solution is used. In sea water is not pure water. Water from a well, distilled water. No ion present in distilled water. So, ionic conductance of distilled water is minimum. And the minimum conductance puchiya aapse. So, option fourth is correct. Distilled water, jisme koi ions nahi hai. So, minimum ionic conductance hogi. Means, ionic conductance nahi hogi. In next, the first and second ionization enthalpies of a metal are 496 and 4560 kilojoule per mole respectively. How many moles of HCl and sulfuric acid respectively will be needed to react completely with 1 mole of the metal hydroxide? Second ionization energy is very high. So, the formula of metal hydroxide must be MOH. It is first group hydroxide, MOH. The reaction of MOH with HCl is given as MCl plus. The reaction of MOH with sulfuric acid given as M2SO4 plus. Given that, how many moles of hydrochloric acid and sulfuric acid will be needed to react completely with 1 mole of the metal hydroxide? With 1 mole of metal hydroxide, the moles of hydrochloric acid used is 1, and for 1 mole of metal hydroxide, the moles of sulfuric acid is used 1 by 2. So, option second is correct. In next question, a sample of milk splits after 60 minutes at 300 Kelvin and after 40 minutes at 400 Kelvin when the population of lactobacillus acidophils in it doubles. The activation energy in kilojoule per mole for this process is closest to, first, at 300 Kelvin the time taken is 60 minutes to split milk, and at 400 Kelvin the time required is 40 minutes. So, the rate of reaction increases. The ratio of K2 by K1 is inversely proportional to time. K2 means in second case rate constant. K2 by K1 is 60 by 40 means 3 by 2 K2 by K1. Rate constant inversely proportional to time taken. Log base 10 according to Arrhenius equation, log base 10 K2 by K1 is equal to E A upon me 2.303 R T2 minus T1 upon me T1 into T2. Log base 10 K2 by K1, log base 10 3 by 2 is equal to E upon me 2.303
2.303. एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में फाइंड आउट करनी है तो आर की वैल्यू 8.314, टी टू माइनस टी वन 100, टी वन इज 300 एंड टी टू इज 400. ऑन सॉल्विंग वी गेट ई ए इज इक्वल टू 3.984 किलो जूल. सो ई ए इज 3.98 किलो जूल. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस 0.1 मोल एंड वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. द सॉल्यूशन इज एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इफ द स्टॉपर्स S1 एंड S2 एस ऑन इन इन द फिगर आर सडनली विथड्रॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड विल बी. The ideal gas is in thermal equilibrium with this solution. In thermal equilibrium with this solution. So the temperature of ideal gas is equal to aqueous solution of ethylene glycol. First we find out and the solution of the aqueous solution of ethylene glycol at its freezing point. So the freezing point of ethylene glycol solution is delta Tf is equal to iota into m into Kf. Delta Tf is equal to iota 1, molality 0.5 and Kf, Kf of water given 2. So, delta Tf is equal to 1. The solution is aqueous solution. So, the freezing point of pure solvent 273 minus delta Tf 1. So, the freezing point of solution is 272 Kelvin. So the temperature of gas is 272 Kelvin. Temperature of gas is 272 Kelvin. So pressure of gas is P is equal to nRT by V. N moles of gas 0.1. R given 0.08. Into टेम्परेचर 272 अपॉन में वॉल्यूम इज 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो वॉल्यूम इज 1 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6 ये 7 2.176 ATM. ये इसका प्रेशर आ गया. इफ द स्टॉपर्स आर सडनली विथड्रॉन देन द प्रेशर ऑफ गैस इज 1 ATM. सो P1V1 इज इक्वल टू P2V2. वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपांड्स P1 प्रेशर इन फर्स्ट केस 2.176 इंटू वॉल्यूम 1. फाइनल प्रेशर इज एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2. सो V2 इज इक्वल टू 2.176 और 2.18. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, 10.30 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्वड इंटू ए लीटर ऑफ सी वॉटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml. द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन PPM is, the concentration in PPM is equal to weight of solute in gram is 10.3 into 10 की पावर माइनस 3 because the weight of solute is in milligram upon में weight of solution. 1 liter volume दे रखा है, density है 1.03. so the mass of solution is m is equal to v into d. V is 1000 ml and density is 1.03 gram per ml. So mass of solution is 1030
1030 in gram into 10 की पावर 6 100. So the concentration of oxygen in ppm is 10. The answer is 10. Hello student, myself Parsi Deval, senior chemistry faculty, CLC Sikar. आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट के जेई मेन के पेपर की बात कर रहे हैं, जहां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज इज. आपको चार कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात की है, मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे. और यदि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का पता लग जाए तो हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का पता लग सकता है. और उसका जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं वो लेते हैं ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का टू बोर मैग्नेटिम, जहां एन है वो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा. लेट्स सी, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, उसमें क्रोमियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है. आई थिंक ऑक्सीजन स्टेट सभी को निकालना आती होगी, तो क्रोमियम प्लस टू में है. तो यहां पे अगर हम बात करें कि क्रोमियम का जो कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1. प्लस टू का मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन आप कम कर दें तो कॉन्फिगरेशन आएगा 3d4. अब हम देखेंगे कि लिगेंड की नेचर कैसी है. H2O है जो वीक फिल लिगेंड है, वीक फिल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी वो होगी T2g3Eg1. दैट मींस यहां n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 4. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 4. सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स में हमें Fe जो दिया हुआ है वो प्लस टू में दिया हुआ है. ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो प्लस टू में आएगा. साइनाइड जो है तो Fe प्लस टू में 3d6 कॉन्फिगरेशन रखेगा, और जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी. जो कॉन्फिगरेशन आएगा वो आएगा T2g6 और Eg0. तो यहाँ एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी 0. दैट मीन्स इसके लिए एन की वैल्यू 0. थर्ड जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें आयरन प्लस थ्री में है, बट वहां एक कंडीशन हमें दी हुई है कि डेल ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है. सीएफएससी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है. तो ये वैल्यू किस बात को इंडिकेशन दे रही है? ये इस बात को इंडिकेशन दे रही है कि यहां एपी के साथ जो ऑक्सीलेटो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है. डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है, तो हमें यहां जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होगी. तो Fe प्लस थ्री में 3d5 कॉन्फिगरेशन होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह अगर मैं बिहेव करवाऊंगा तो T2g5 Eg0. T2g5 की बात करें तो यहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहां एन की वैल्यू फर्स्ट आएगी. तो यहां पे एन की वैल्यू फर्स्ट. अब बात करते हैं फोर्थ कॉम्प्लेक्स की. तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है वो प्लस टू में है. प्लस टू में कोबाल्ट सीएल के साथ है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करते हैं. अगर टेट्राहेड्रल CO प्लस टू की बात करें तो 3d7 है, 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है. तो हमें पता है कि यहां सबसे पहले E में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, उसके बाद T2 में. तो ये T2 है और ये E है. 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7. तो यहां से अपने पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, तो यहां से 3 आए हैं. लेट्स अब देखते हैं, फर्स्ट के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और फोर्थ के पास 3 इलेक्ट्रॉन है. हमें पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट करेक्ट ऑर्डर. तो सबसे ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा फर्स्ट का, देन थर्ड का. तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, उसके बाद फोर्थ का जिसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ,
उसके बाद थर्ड का जहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके बाद सेकंड का, दैट मींस करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द आइसोमर ऑफ सी ओ एन एस 3-4-Cl2 दैट हैज हैव सी एल सी ओ सी एल एंगल ऑफ 90 इज आर. आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें बोला है कि इस कंपाउंड के जितने आइसोमर बनेंगे उसमें 90 के एंगल कितने होंगे. तो ये अगर मैं बात करूं, ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली जो फॉर्मूला है वो है एम ए फोर बी टू टाइप. ये प्रॉब्लम जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बिलोंग कर रही है. तो हमें पता है कि इस फॉर्मूले पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है, एक सिस बनता है और दूसरा ट्रांस बनता है. तो बनाते हैं, पहले सिस बनाते हैं और ट्रांस बनाते हैं और चेक करते हैं कि कितने एंगल होंगे. तो अगर हमें बात करूं सी ओ एन एच थ्री और ये एन एच थ्री, ये सी एल, अगर यहां बात करें तो ये जो है दो सी एल जो है आइडेंटिकल लिगेंड 180 पे हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर है. दूसरे आइसोमर की बात करें एन एच थ्री, ये सी ओ एन एच थ्री, ये सी एल, ये सी एल और ये एन एच थ्री और ये एन एच थ्री, यहां वही दोनों सी एल 90 पे हैं, इसका मतलब ये सिस आइसोमर है. तो दो आइसोमर पॉसिबल थे, दोनों आइसोमर में एक सिस जो आइसोमर बन रहा है उसमें 90 पे प्रेजेंट है और यही पूछा है कि सी एल सी ओ सी एल एंगल ऑफ 90 इज आर, तो किस फॉर्म में है. तो आंसर आएगा ये सिस फॉर्म है, तो सिस ओनली. नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन पीपीएम. तो एक्चुअली बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो बीओडी है वो वाटर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिग्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं. तो उस बेस पे अगर ऑप्शन चेक करें तो बाई एनारोबिक बैक्टीरिया ऑफ ब्रेक डाउन इनऑर्गेनिक वेस्ट, नहीं, ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है तो फर्स्ट ऑप्शन का पॉसिबल नहीं है. सेकेंड, फॉर द फोटोकेमिकल ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन 1 m³ वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉर्डर वाटर बॉडी, तो ये भी नहीं होगा. थर्ड है फॉर सस्टिंग लाइफ इन ए वाटर बॉडी. तो एप्रोप्रिएट जो आंसर जा रहा है, बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, उसको हम बोल सकते हैं बीओडी. तो एप्रोप्रिएट जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ, दैट मीन्स फोर्थ इज करेक्ट आंसर. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. आपको कोई कंपाउंड पी है जो इन दो रिएजेंट से रिएक्ट करके कलर्ड सॉलिड बनाता है और ब्रोमीन वाटर से जो रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा C7H9Br3. ये जो है हम आइडेंटिफाई करें कि क्या बनेगा. तो सबसे पहले तो यहां देखें कि जो ऑप्शन में दिया है कि यहां से यहां हमें पता लग रहा है कि रिएक्शन में ट्राई ब्रोमिनेशन हुआ है. ये यहां से पता लग रहा है कि जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बन रहा है उसमें 3 Br आए हैं, तो डेफिनेटली ट्राई ब्रोमिनेशन हुआ है. और ट्राई ब्रोमिनेशन हम एनिलीन का मानते हैं कि एनिलीन का एक्वस सॉल्यूशन में ट्राई ब्रोमिनेशन होता है. एनिलीन ग्रुप यहां भी है, एनिलीन ग्रुप यहां भी है, यहां 2° amine है और एनिलीन ग्रुप यहां भी है. अगर इसका ट्राई ब्रोमिनेशन की बात करें कि इसका ट्राई ब्रोमिनेशन होगा या नहीं होगा, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है तो 1 Br यहां जुड़ सकता है, 1 Br यहां जुड़ सकता है, मतलब इस कंपाउंड का ट्राई ब्रोमिनेशन पॉसिबल नहीं है. इसकी बात करें तो 1 Br यहां जुड़ सकता है, 1 Br यहां जुड़ सकता है, मैक्सिमम डाई ब्रोमिनेशन हो सकता है, तो इसका भी ट्राई ब्रोमिनेशन पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में हो नहीं सकते. तो लेट्स सी कि फोर्थ की प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हम फोर्थ को चेक करें, क्योंकि ट्राई ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो 1 Br यहां जाएगा, 1 Br यहां जाएगा और 1 Br यहां जाएगा और यह कंपाउंड बन जाएगा. अगर हम बात करें कि ऊपर वाली रिएक्शन क्या है, नीचे वाली रिएक्शन क्या है, तो देखें ऊपर जो कंपाउंड आपको इस कंपाउंड को लेकर चलते हैं, क्या सभी कंडीशन को फॉलो करता है क्या. तो पहला कंपाउंड हम लेते हैं NH2 और ये CH3.
और इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है सबसे पहले NaNO2 HCl 0 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैं इसकी कंडीशन लिख देता हूं, ये क्या करता है, दिस इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो NH2 ग्रुप का जो फर्स्ट रिएजेंट हम लेंगे वो NaNO2 एंड HCl, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है और टेम्परेचर की जो कंडीशन है उस टेम्परेचर की कंडीशन में कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहां जो बनेगा रिएक्शन का नाम बताया डाइएजोटाइजेशन होगा और डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। डाइएजोनियम सॉल्ट जो है वो N2 प्लस Cl माइनस एंड CH3। नाउ डाइएजोनियम सॉल्ट जो बना उसकी रिएक्शन कराई बीटा नेप्थोनॉल और NaOH से। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि बीटा नेप्थोनॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, अल्फा और बीटा पोर्शन पे OH लगा दो, दिस इज बीटा नेप्थोनॉल। रिएक्शन कराइए बेसिक मीडियम में और कलर्ड सॉलिड बना है तो हम कि डाइजोनियम सॉल्ट की फिनोल से रिएक्शन करवाते हैं बेसिक मीडियम में, तो रिएक्शन का नाम होता है कपलिंग रिएक्शन। तो इसके साथ जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी कपलिंग रिएक्शन। तो यहां जो कपलिंग रिएक्शन होगी वो बीटा नेप्थोनॉल के साथ बेसिक मीडियम में, तो यहां कपलिंग रिएक्शन ये बीटा नेप्थोनॉल है, ये कपलिंग रिएक्शन का मैं प्रोडक्ट बना देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है डाइजोनियम सॉल्ट, अटैक कहां करेगा इस पोर्शन पे ज्यादा स्टेबल यहां है तो ये डाइजोनियम सॉल्ट यहां अटैक करेगा। और आप यू नो कि कपलिंग रिएक्शन जो है वो एग्जांपल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो यहां जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जहां कलर्ड सॉलिड की बात हो रही है वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कि कपलिंग रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एन डबल बॉन्ड एन और ये रिंग और यहां पे जुड़ जाएगा CH3। दिस इज कलर्ड सॉलिड, ये कलर्ड सॉलिड है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नीचे वाली कंडीशन को फॉलो करेगा क्योंकि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, यहां पे ब्रोमिनेशन होगा, यहां पे ब्रोमिनेशन होगा, यहां पे ब्रोमिनेशन होगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का जाएगा वो जाएगा फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अमंग द स्टेटमेंट ए टू डी, मतलब आपको ए से डी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चार स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और पूछा है कि द करेक्ट वंस आर, इनमें से करेक्ट कौन सा है। ये डायरेक्टली जो है प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठाया हुआ है, एस ब्लॉक से कनेक्ट कर रहा है, एस ब्लॉक की एनसीईआरटी में लिथियम की प्रॉपर्टीज में ये लिखा हुआ है जहां डायगोनल रिलेशनशिप के लिए बारे में बात किया है। पहला है लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमंग द एल्कली मेटल। तो फर्स्ट को अगर एक्सप्लेन करें तो यू नो कि हाइड्रेशन एनर्जी इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो उस बेस पे देखें तो एल्कली मेटल की बात की है तो सभी एल्कली मेटल पे चार्ज प्लस वन होता है, लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है और साइज सबसे स्मॉल है तो हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लिथियम क्लोराइड इज इनसोल्यूबल इन पिरिडीन, तो यहां पे बोला है कि क्या लिथियम क्लोराइड, ये बोल रहा है कि लिथियम क्लोराइड पिरिडीन में इनसोल्यूबल है। यू नो कि LiCl जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, लाइक डिजोल्वो लाइक वाला प्रिंसिपल से अगर देखें तो LiCl कोवेलेंट कंपाउंड है और ये कोवेलेंट कंपाउंड है इसलिए ये सोल्यूबल इन पिरिडीन, ये पिरिडीन में सोल्यूबल होगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही नहीं है, वो बोल रहा है इनसोल्यूबल है जबकि मैं बोल रहा हूं कि LiCl पिरिडीन में सोल्यूबल है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथेनाइड अपॉन इट्स रिएक्शन विथ इथाइन, इथाइन के साथ रिएक्शन करते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस रिएक्शन की बात कर रहा है कि लिथियम जब रिएक्ट करेगा तो HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस नहीं बनाता है, तो बात एकदम सही है,
ये कंपाउंड लिथियम नहीं बनाता है, बाकी सोडियम एंड पोटेशियम ये कंपाउंड बनाते हैं, लिथियम नहीं बनाता। और स्टेटमेंट में भी यही बोला हुआ कि लिथियम कैन नॉट फॉर्म, नहीं बना सकता, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ H2O, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं ड्यू टू हाई आयनेशन एनर्जी, तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी ये जो डी है ये भी सही है। तो ट्रू स्टेटमेंट पूछे हैं तो ए सी और डी, तो आंसर शुड बी सेकंड, दैट मींस करेक्ट आंसर सेकंड। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, रिएक्शन कनेक्टेड है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो हमें पूछा है कि बॉन्ड लेंथ, तो ये उन्होंने पहले कुछ आपको कुछ रिलेशन पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर यदि इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें, फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, तो यहां सीएल डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखा रहा है, मतलब इस बॉन्ड में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड बॉन्ड में भी सीएल डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखा रहा है, बट फर्स्ट के कंपैरिजन में रेजोनेंस इस लोन पेयर का रेजोनेंस कम है क्योंकि इधर से भी रेजोनेंस दिखा रहा है। यहां अगर इसकी बात करें तो यू नो कि सॉरी ये सीएल है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, तो ये है सीएल सीएच डबल बॉन्ड सीएच एन ओ टू। तो यहां अगर रेजोनेंस देखें तो ये यहां से यहां जाएगा और ये रेजोनेंस लॉन्ग रेजोनेंस हो रहा है, मतलब यहां रेजोनेंस सबसे ज्यादा है। रीजन है कि जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये Cl के लोन पर को विड्रॉ करेगा तो इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स आंसर सेकेंड और करेक्ट आंसर भी सेकेंड ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा जल्दबाजी में बच्चा गलत कर सकता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछे हैं, टोटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछे हैं, तो यू नो कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं, एस होता है, पी अक्ष या पी वाई, या फिर मैं बोल दूं पी एनी वन, कोई सा भी हो सकता है, पी दो पी लेने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ये बोलती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी उतने ही नंबर में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनने वाले हैं, 3sp2 बनने वाले हैं। अब लेट्स सी बेंजीन की स्ट्रक्चर हम देखें, तो बेंजीन अपना ये है और हर एक कार्बन, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब एक कार्बन sp2 है तो इस कार्बन के पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 ये 2 और ये 3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया। इसके पास भी तीन है, ये 1 ये 2 और ये 3। ऐसे इसके पास बात करें तो इसके पास भी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 3, इसके पास भी 1 2 और ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3। तो एक कार्बन के पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, टोटल कार्बन इसमें है वो 6 है, एक कार्बन के पास तीन है तो 6 × 3 दैट मीन्स टोटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो 18 होंगे, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए, मतलब इनिशियल रिएक्टेंट पूछा है आपको, कुछ रिएजेंट दिए हुए हैं कि ये रिएजेंट से ये रिएक्ट करके ये इस कंडीशन में गया है, तो इनिशियल रिएजेंट क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो जो प्रोडक्ट है वो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल, और ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल जो है
वो है प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ये पता लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो एल्डोल कंडेंसेशन का है, तो कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन हुई है, मतलब लास्ट एजेंट बेस दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, तो पता भी चल रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन हुई है। तो अगर मैं रेट्रो एल्डोल करवाऊं इस कंपाउंड की, तो आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है वो कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला, और रेट्रो एल्डोल इस बॉन्ड ये यहां से टूटा है और रेट्रो एल्डोल से बनेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बन, ये कार्बन और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच। इसका न्यूक्लियोफाइल बना था, इस पर अटैक किया था, मतलब ये कंपाउंड जो है वो फाइव रिएजेंट से पहले करने से, रिएक्शन करने से पहले जो कंपाउंड बना है वो ये वाला बना है। उसके बाद इसका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुआ, एल्डोल के बाद ये प्रोडक्ट बना है। उससे पहले हमें लग रहा है कि रिडक्टिव ये रिएजेंट जो शो कर रहा है वो कर रहा है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हुआ है। ये रिएजेंट इंडिकेट कर रहा है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हुआ है, तो हमें ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का भी पता है कि ये जो प्रोडक्ट बना होगा वो किससे बना होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, दो डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट इससे आया होगा। ये मैं बता देता हूं आपको कि ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है, ये जो बना है वो ये प्रोडक्ट बना है O3CH3 2S रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और ये प्रोडक्ट जो बना है वो इससे बना है। डायरेक्ट हम रिएक्शन का डायरेक्ट वे बता देता हूं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इससे ये प्रोडक्ट बना है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है एल्कोहलिक KOH से, तो एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, तो इसका मतलब यहां पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब यहां पे BR लगा होगा और यहां पे एल्कोहलिक KOH से ये बना होगा। और ये जो प्रोडक्ट बना है वो बना है ब्रोमीन लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, तो ये BR2 और ये लाइट की प्रेजेंस में ये बना है इससे। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, दो वे से कर सकते हैं, हर एक कंपाउंड की रिएक्शन करवा के चेक कर सकते हैं, बट वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। अपोजिट चले हम रेट्रो रिएक्शन करवाएं तो एक सिंपल सा प्रोसेस आता है कि इसको पहचानना होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है जो प्रोडक्ट है एल्डोल रिएक्शन का। तो पहले मैंने रेट्रो एल्डोल करवाई, उसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अपोजिट रिएक्शन में चला तो साइक्लोहेक्सेन आया। क्या साइक्लोहेक्सेन कहीं ऑप्शन में है? जी हाँ, सेकंड आंसर होगा और करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बी एंड सी आर थ्री बायोमोलिक्यूल्स, द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन देम आर गिवन बिलो। तीन बायोमोलिक्यूल्स दिए हुए हैं और वो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे आपको बेटर ऑप्शन चूज करना है। जो ए है वो मोलिस टेस्ट पॉजिटिव देता है। मैं बता देता हूं, मोलिस टेस्ट है वो जनरल टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ऑल टाइप कार्बोहाइड्रेट मोलिस टेस्ट देते हैं, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव मोलिस टेस्ट दे रहा है, तो ए है वो है कार्बोहाइड्रेट। पहला टेस्ट ये इंडिकेशन दे रहा है। बोरफोई टेस्ट के लिए बोल रहा है नेगेटिव, तो बोरफोई टेस्ट क्या है? डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड दोनों में डिस्टिंग्विश करने का मेथड है बोरफोई टेस्ट। अगर बोरफोई टेस्ट की हम बात करें तो मैंने बोला कि बोरफोई टेस्ट मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों को डिस्टिंग्विश करने का मेथड है। मोनोसेकेराइड बोरफोई टेस्ट शो करता है, डाइसेकेराइड शो नहीं करता। दैट मीन्स ये जो कलर्ड जो आता है उसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है डाइसेकेराइड के साथ। तो ये बोरफोई टेस्ट बोल रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा है? डाइसेकेराइड, क्योंकि मोनोसेकेराइड तो टेस्ट देता है। फिर है बायूरेट टेस्ट, तो बायूरेट टेस्ट जो है ना वो है टेस्ट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड का टेस्ट है। तो फर्स्ट इन एक की अगर बात करें तो मोलिस टेस्ट दे रहा है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। बोरफोई टेस्ट नेगेटिव है मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा होगा? डाइसेकेराइड होगा। तो अगर मैं फर्स्ट से चेक करने की कोशिश करूं तो देखो
फर्स्ट में भी डाइसेक्राइड दिया हुआ है लेक्टोज, ये भी लेक्टोज, ये भी लेक्टोज, तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं आ सकता, बट बाकी तीन ऑप्शन जो है उनमें लेक्टोज होता है, डाइसेक्राइड होगी, और डाइसेक्राइड में आपके पास एक ही दिया हुआ है, वो है लेक्टोज। अब बात करते हैं बी की। बी मोलिस टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। बोरफोई टेस्ट भी पॉजिटिव है, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसी है, मोनोसेकेराइड। और फिर बोल रहा है कि बायुरेट टेस्ट नेगेटिव है, मतलब पेप्टाइड लिंकेज वाला नहीं है कंपाउंड, तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मोनोसेकेराइड होना चाहिए, तो फर्स्ट में भी मोनोसेकेराइड दिया हुआ है ग्लूकोज, इसकी बात करें तो इसमें फ्रक्टोज, ये भी मोनोसेकेराइड है, और बी ग्लूकोज, ये भी मोनोसेकेराइड है, तो कोई एक मोनोसेकेराइड होगी, बट अपने पास बी में हर इन तीनों ऑप्शन में मोनोसेकेराइड दिया हुआ है। लेट्स सी को चेक करते हैं, कि सी की बात करें तो सी मोलिस टेस्ट नेगेटिव, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। बोरफोई टेस्ट नेगेटिव है, बोरफोई टेस्ट नेगेटिव का मतलब हुआ कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है या फिर डाइसेकेराइड हो सकती है, बट यहां पे मोलिस टेस्ट नेगेटिव हो गया तो बोरफोई टेस्ट नेगेटिव आना ही है। बायुरेट टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब मे बी प्रोटीन, एक लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन का, एल्बुमिन, तो करेक्ट आंसर जो होगा ए लैक्टोज हो जाएगा, बी ग्लूकोज हो जाएगा, और सी एल्बुमिन हो जाएगा। एल्बुमिन मोलिस टेस्ट नहीं देगा क्योंकि प्रोटीन है, बोरफोई टेस्ट नहीं देगा क्योंकि प्रोटीन है, पॉजिटिव बायुरेट टेस्ट दे रहा है क्योंकि पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिएक्शन ऑफ H3N3B3Cl3A विद LiBH4 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन गिव इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक जो बेंजीन है वो है B3N3H6। जो बोराजीन है वो फर्दर द रिएक्शन विथ ए विथ सी लीड्स टू H3N3B3Me3 कंपाउंड बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए जो पहला कंपाउंड है वो दिया हुआ है H3N3B3Cl3, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है LiBH4 से इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, मतलब THF की प्रेजेंस में, तो ये यहां पे है रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन करेगा तो Cl की जगह हाइड्राइड शिफ्ट कर देगा और फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा B3N3 और ये H6। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बन गया, मतलब दिस कंपाउंड इज बी और ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है ए। फिर बोल रहा है कि फर्दर द रिएक्शन ऑफ ए विथ सी, कोई कंपाउंड सी लिया है उसकी ए के साथ रिएक्शन करवाई है और बना है H3B3N3 and ME3। तो यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि Cl की जगह Me सप्लाई हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो Cl की जगह Me सप्लाई करने के लिए कौन सा रिएजेंट प्रॉपर काम आएगा, तो पूछा है हमने से कि कंपाउंड B एंड C रेस्पेक्टिवली, तो B तो बोराजीन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम बोलते हैं बोराजीन, तो बोराजीन कहां ऑप्शन में है, इसमें नहीं है बोराजीन, इसमें नहीं है, तो बोराजीन यहां भी है और बोराजीन यहां भी है। फिर हम बात करें MeBr, इसमें न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है बट इसमें दिया हुआ है MeMgBr, तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है सी वो है MeMgBr, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अटैक करके Cl को क्या कर देगा, यहां से बाहर कर देगा, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, दैट मींस आंसर शुड बी थर्ड, और थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर, तो आंसर आएगा बोराजीन एंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इज, आपको चार कंपाउंड दिए हुए हैं और उनका बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है। तो देखो, जब भी बेसिसिटी ऑर्डर देखते हैं तो सबसे पहले इस चीज को चेक करते हैं कि लोन पेयर इजीली अवेलेबल कहां होगा कमिंग प्रोटोन के लिए। जो प्रोटोन आ रहा है उसके लिए लोन पेयर इजीली कहां होगा, अवेलेबल कहां होगा। तो देखो, इसके लोन पेयर जो है ना वो इस रिंग के साथ डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब ये जो लोन पेयर है वो है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो डीलोकलाइज है तो प्रोटोन को इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। पिरिडीन में जो ये लोन पेयर है ये है अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर, मतलब ये इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। यहां पे अगर बात करूं तो ये भी है अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये भी रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लोकलाइज्ड। और अगर इसकी बात करूं तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं और सिस्टम को एरोमेटिक बना रहे हैं, तो ये हो गए डीलोकलाइज्ड। मैं फिर एक बार रिमाइंड करवा देता हूं कि अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिसिटी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से ज्यादा होती है। तो अनडीलोकलाइज कहां है अपने पास, अनडीलोकलाइज थर्ड कंपाउंड में है, अनडीलोकलाइज सेकंड कंपाउंड में है। बट अगर ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो sp3 में प्रेजेंट है, यहां वाले लोन पेयर प्रेजेंट है वो sp2 में प्रेजेंट है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम है कंपेरेटिव टू sp3। इसका मतलब इजी वे में लोन पेयर डोनेट करेगा वो sp3 वाला करेगा, दोनों में ही अनडीलोकलाइज है। तो सबसे पहले बेसिक आएगा वो थर्ड आएगा, देन सेकंड आएगा। अब दोनों में ही फर्स्ट और फोर्थ में, इनमें दोनों में ही डीलोकलाइज हो रहे हैं। अगर ये H+ एक्सेप्ट करता है तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज बनेगा, इसका जो कॉन्जुकेटेड एसिड बनेगा वो ये बनेगा एनिलिनियम आयन। बट आप देखें कि कंपाउंड यहां भी एरोमेटिक था और कंपाउंड यहां भी एरोमेटिक है, मतलब कंपाउंड की एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। बट अगर ये कंपाउंड अगर बेसिसिटी शो करेगा तो H+ अटैक करेगा और यहां जो बनाएगा वो बनाएगा NH और पॉजिटिव, और ये है कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक। तो ऐसा कंपाउंड क्यों चाहेगा, वो अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट करना क्यों चाहेगा, नॉन एरोमेटिक होना नहीं चाहेगा। इसका मतलब इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे कम है, इससे पहले फर्स्ट दे देगा, फर्स्ट और उसके बाद फोर्थ, ये बेसिसिटी का आंसर होगा। चेक करते हैं कि ऑप्शन में कहां है ये, तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ, मतलब आंसर शुड बी फोर्थ, और करेक्ट आंसर फोर्थ ही होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस रेसेमिक प्रोडक्ट, कि किस रिएक्शन में रेसेमिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब दो फॉर्म डी एंड एल नहीं बनेगी। तो फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, तो एच प्लस का टेक और ये सी एन माइनस का टेक, तो फर्स्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओ एच, ये कार्बन और ये कार्बन और ये सी एन, कायरल सेंटर जनरेट हो गया। इसका मतलब इस कंपाउंड का डी और एल दोनों फॉर्म बनेगा, मतलब यहां रेसेमाइजेशन आया है, तो प्रोड्यूस रेसेमिक मिक्सर, तो यहां रेसेमाइजेशन हुआ है। तो फर्स्ट में रेसेमाइजेशन हुआ है, सेकंड की बात करें तो ये सॉरी ये HCl नहीं है, बाय मिस्टेक यहां गलत प्रिंट हो गया है, ये HCl है। HCl का एडिशन करवाओगे तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, तो पहले ये बनेगा ये एच और ये सी एच, ये पॉजिटिव और ये सी एच थ्री। नाउ 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा कार्बन, ये पॉजिटिव और ये सी एच टू और ये सी एच थ्री। नाउ रिएक्ट करेगा सी एल माइनस, तो सी एल माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो कंपाउंड बनेगा ये वाला कार्बन, ये सी एल, ये सी एच टू और ये सी एच थ्री। कायरल सेंटर जनरेट हुआ ही नहीं है, मतलब ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में रेसेमिक प्रोडक्ट नहीं बना है, तो मे बी आंसर सेकंड हो सकता है, बट अदर ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। अगर यहां बात करें तो यहां सी एच, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये H+ अटैक करेगा, तो पहले बनेगा कार्बन कार्बन, ये पॉजिटिव और ये सी एच थ्री, और जब Br- यहां अटैक करेगा तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सी, ये Br और ये CH3,
यहाँ भी कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, मतलब यहाँ भी रेसेमाइजेशन होगा, मतलब यहाँ भी डी और एल दोनों फॉर्म बनेगी। अब हम बात करते हैं, तो हमारे पास सेकंड आंसर की पॉसिबिलिटी आई थी, फर्स्ट में रेसेमाइजेशन हुआ था, थर्ड में रेसेमाइजेशन हुआ था, अब हम बात करते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में होगा या नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में देखो, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट होंगे वो इधर से इधर हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट होने के बाद यहाँ Cl- अटैक करेगा, तो आप देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है, ये CH3 और ये Cl और यहाँ पे आपके पास है CH3, तो यहाँ भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर जनरेट हो गए। तो अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ फोर बनने वाले हैं, उसमें रेसेमिक प्रोडक्ट भी बनेगा, डाइस्ट्रीमर भी बनेगा, दैट मीन्स इसमें भी रेसेमाइजेशन आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट प्रोड्यूस रेसेमिक मिक्सचर, तो सेकंड रिएक्शन में रेसेमिक प्रोडक्ट नहीं बना है, तो आंसर शुड बी सेकंड एंड करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पॉलीमर हैज काइरल मोनोमर, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो होती है सी सी डबल बॉन्ड और ये Cl, तो यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है। PHBV इसका 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, और इन दोनों कंपाउंड की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड विथ 4 कार्बन COH, ये 1 और ये 2 ये OH, मतलब यहां कायरल सेंटर है। 3 हाइड्रोक्सी अगर पेंटेनोइक एसिड की बात करूं तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये 1 2 3, यहां OH है तो यहां भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। दैट मींस क्वेश्चन में यही पूछा है कि किसका मोनोमेरिक यूनिट कायरल सेंटर रखेगा, तो पीएचबी जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसकी 2 मोनोमेरिक यूनिट है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, और दोनों ही यूनिट में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो आंसर शुड बी सेकंड। नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, नायलोन 66, यू नो नायलोन 66 में जो बनता है वो बनता है एडिपिक एसिड CH2 और हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन, ये NH2, ये CH2 और NH2, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है। फोर्थ दिया हुआ है ब्यूना N, तो ब्यूना N 1,3 ब्यूटा डाइईन प्लस स्टाइरीन, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है ब्यूना N, सॉरी स्टाइरीन नहीं आता इसमें काम में, विनाइल साइनाइड काम में आता है, एक्राइलोनाइट्राइल, तो दोनों में ही कायरल सेंटर नहीं है। दैट मींस बात हुई कि विच पॉलीमर हैज कायरल मोनोमर, तो एक ही ऑप्शन अपने पास आया है, पीएचबीवी में 2 यूनिट है, दोनों ही कायरल सेंटर रखती है, तो आंसर शुड बी सेकंड और करेक्ट आंसर सेकंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इंटीजर पूछा है, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम, मतलब सीआर और ऑक्सीजन के बीच में एटम्स कितने बॉन्ड है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, यू नो दोनों ही डी ब्लॉक से प्रॉब्लम बिलोंग कर रही है, दोनों ही स्ट्रक्चर डी ब्लॉक में दी हुई है, क्रोमेट आयन जो है वो है ऑक्सीजन 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 और दिस इज क्रोमेट आयन। अगर बात करें डाइक्रोमेट आयन की तो सी आर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये नेगेटिव और ये ऑक्सीजन, ये सी आर ये ऑक्सीजन और ये नेगेटिव, रेजोनेंस जो होता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो टोटल बॉन्ड क्रोमेट आयन में टोटल बॉन्ड 4 है, इसमें बात करूँ सी आर ओ बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें टोटल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड 8 है, दोनों का सम पूछा है तो दोनों का सम आएगा 12 इज करेक्ट आंसर। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए, ए को आइडेंटिफाई करना है
और ए ग्रिगनार एजेंट से रिएक्शन करके कॉपर, तो ये रिएक्शन वेल नोन है, यहां से आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये रिएजेंट करता है डीहाइड्रोजिनेशन, और इस डीहाइड्रोजिनेशन से बना है, वो बना है 2-methyl-2-butene। अगर बी 3 डिग्री एल्कोहल है तो यही रिएजेंट करेगा डिहाइड्रेशन। तो आप वापस सुन लें कि यदि बी 1-degree, 2-degree एल्कोहल है तब तो कॉपर 573 केल्विन पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, बट अगर बी 3 डिग्री एल्कोहल है तो ये फिर डिहाइड्रेशन करेगा। तो यहां पे पता लग रहा है कि ग्रिगनार रिएजेंट ये हाइड्रोलाइसिस किया है और कॉपर से करवाया है, तो 2-methyl-2-butene बना है, तो 2-methyl-2-butene बना है तो मतलब एल्कीन बनी है, और एल्कीन बनी है इसका मतलब बी जो है वो 3 डिग्री एल्कोहल है और ये जो रिएजेंट करेगा वो करेगा -H2O। तो 2-methyl-2-butene की स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले, ये 2-methyl-2-butene ये इससे बना है, और ये जो बना है ये बना है बी से, जो रिएक्शन करवाई है कॉपर 573 केल्विन से। बी जो है वो मे बी ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है, और अगर ये प्रोडक्ट है बी तो हमें ए को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ए क्या बना, ग्रिगनार एजेंट से एल्कोहल बना है, तो ए को अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो ए जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, और इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं CH3MgBr और हाइड्रोलाइसिस से, तो CH3 अटैक करेगा और हाइड्रोलाइसिस के बाद ये वाला बी वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो हमने ए आइडेंटिफाई कर लिया, ए के बारे में बात करा है, ए में पूछा है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो रिएजेंट है डिहाइड्रोजिनेशन भी करता है, डिहाइड्रेशन भी करता है, तो यहां एल्कीन बनी है तो नो डाउट डिहाइड्रेशन ही करके आया होगा। तो 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, तो ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ए जो कंपाउंड अपने पास आया है वो आया है कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, और ये CH3, ये CH2 और ये CH3। पूछा है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए, तो टोटल अगर इस कंपाउंड का मोलर मास देखूं तो आप कैलकुलेट करेंगे मोलर मास, तो 48 कार्बन का हो गया, उसके बाद 8 जो है वो हाइड्रोजन का हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन का हो गया, तो टोटल मोलर मास इस कंपाउंड का जो आएगा वो मोलर मास आएगा वो आएगा 72। हमें पूछा है कार्बन का परसेंटेज, तो सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन, टोटल मोलर मास है 72 और कार्बन जो है वो अपने पास है 48। तो हमें मास परसेंटेज पूछा है कार्बन का, तो कार्बन का जो मोलर मास है वो 48 है आउट ऑफ टोटल मास, टोटल मास हमने अभी कैलकुलेट किया है, टोटल मास आया है 72, तो 72 और इनटू 100। तो यहां अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद सिंपल जो परसेंटेज आएगा वो 6.6 के क्लोज आएगा, तो इसी के अराउंड वैल्यू आएगी, तो आंसर शुड बी 6.6। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो ये वैल्यू आएगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, कुल मिला के पेपर का अगर लेवल देखें तो 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी इजी था। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।